हेलो एवरीवन आज हम फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वह फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है डिवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिबोल्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी या फिर अवॉर्ड्स ऑफ ग्रांट्स एंड एड या फिर डिबोल्यूशन ऑफ़ ट्रेड टैक्स ये क्वेश्चन जो है यूपी पी ने पूछा हुआ है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वह एक लीगल बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फिर नन ऑफ द एबो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने दो बार रिपीटेडली पूछा हुआ है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था एन के सिंह या फिर शशिकांत दास या फिर शांता कुमार या फिर वाई वी रेड्डी ओके okay? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द स्टेट्स या फिर To de determine the financial position of central government, Jaffir, to determine the financial resources of central government, Jaffir, to determine the share of the states in the grants and revenues of central government. तो इनमें से कौन सी वजह से फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है वो आपको बताना है बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है अबाउट नीति आयोग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो नीति आयोग है वो सेटअप किया गया था टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नीति आयोग हैज फुल टाइम चेयरमैन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नीति आयोग वॉज सेटअप इन जनवरी 2015 एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नीति आयोग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बहुत नीति आयोग वो आपको बताना है अब हम बात करते हैं आंसर का तो आपको इन सारे का आंसर आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल थे लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स यह फाइनेंस कमीशन का फंक्शन के अंडर नहीं आता है तो इसका आंसर हो गया आपका डी ओके okay? बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है या फिर जो फाइनेंस कमीशन है हमारा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ओके यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन यह एक दो अलग अलग बॉडी है ओके यह एक सिंगल बॉडी नहीं है यह आपको पता होगा आई होप कि फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन ये दोनों अलग अलग बॉडी है लेकिन ये दोनों ही जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ओके बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आपके एन के सिंह बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए आपको पता होगा ये तो बहुत ही सिंपल था कि फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द द शेयर ऑफ ऑफ स्टेट्स इन ग्रांट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओके अब हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का तो आपको पता होगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ना तो फिर देखिए जैसे जब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस चेंज होगा तो नीति आयोग के चेयरमैन भी चे, 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 चेंज होंगे है ना तो फिर ये वाला स्टेटमेंट जो है नीति आयोग का वो गलत है जो कि बोल रहा है इट हैज अ फुल टाइम चेयरमैन तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया आपको ये भी चीज भी याद रखना है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ओके तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच